चलो मुर्गा बन, जल्दी कर जल्दी कर, सही वाला मुर्गा बन, सही वाला मुर्गा बन, सही वाला, सही वाला मुर्गा बन, सही वाला, सही वाला, सही वाला। नहीं पकड़े जाते इस बंदे में ना, मुझे बड़ा गुस्सा है। अब आप पूछेंगे क्यों गुस्सा है। कल के व्लॉग में इसने डेट फिर लिखना मिस कर दी। कल इसको मैंने एडिटिंग थोड़ा सा, मैंने बोला, मैंने कहा एडिटिंग तुम ये कर लो, ये मतलब वो छत वाला क्लिप बना लो, बना के इसमें डाल लो। अब मेरा जहन में ये था कि भाई मैं लेटा हूँ तो ये आगे मुझे दिखाएगा, ये हर मतलब मुझे क्लिप बना के ला के दिखाता है, ये वाला क्लिप, ऐसे क्लिप ये मुझे दिखाती है, मैं इबादत वगैरह कर रहा था उस टाइम। मैंने कहा यार ये तुम बना लो और मैं अपना तब तक थोड़ा इबादत कर लूँगा, और उसको अभी मैं लेट गया कहीं मेरी आँख लगी। ये भाई साहब ने मुझे उठाया नहीं, और मैंने आवाजें दी थी। हाँ जी मैंने आवाजें दी थी जी। कितनी आवाजें दी थी? दो तीन दिन हो गया आप इसी तरह मुझे ना वो लारा लप्पा लगा के सो गए थे। लारा और लप्पा तो तुम खुद हो। खैर जी, इस भाई साहब ने वो बगैर डेट के उसको अपलोड कर दिया। तो यार कैसा अजीब इंसान है। ब्लॉग के अंदर मैं खुद उसको टाइम को, डेट को खुद टाइम से इंशाल्लाह ध्यान से डालूंगा। अमीर भाई के ऊपर हमने नहीं रहना। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी और शाम बखैर। लेकिन ये क्या कर रहे हो? बल्ब लांडे यार जी। कड़ा बल्ब तार को कितनी से दी है बिल्कुल। हां जी मैं कहो ना वे किसी जी नु किसी जी दे हाथ से निकल जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा इफ्तार हो चुका है। पकोड़े, केचप, दही भल्ले, बस खत्म करते हैं इंशाल्लाह ताला, और इफ्तारी के बाद फिर अब आपको आगे प्रोग्राम में आते हैं। आज काम है कुछ करने वाले, काम निपटाते हैं। 1 hour later बना 9 बजे तकरीबन आंख खुली और आंखें खुली जी। काका साहब ने की बहुत बड़ी वॉमिट, काका साहब बेचारे बहुत डिस्टर्ब हुए, उनकी तबीयत काफी खराब हुई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ उनको डॉक्टर पास ले जाऊँ। उसके अलावा एसी जो उसकी सर्विस नहीं करवाई थी, हमें नहीं पता था कि एकदम ही गर्मी जो है वो इतना जोर पकड़ जाएगी। इसी की सर्विस करवानी है, और उसके अलावा जो मेरा स्टेबलाइजर इसके साथ लगा हुआ है वो उसका वो जो ट्रिप ऑन एंड ऑफ का बटन था वो भी खराब हुआ है, तो इसलिए एसी तो फिलहाल चला सकता है। इसलिए हम लोग अब उतार रहे हैं कूलर, कूलर उतार के जो रूम कूलर ना वो लगा रहे हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो। 33 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर हुआ है, तो इसलिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप लोगों से भी एहतियात करने की इल्तमास है, बिलखसूस जिन घरों में बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। बस ये अब कमरे के अंदर ना हम लोग रूम को लगाते हैं, जल्द से ऊपर ऊपर पड़ा है वो तकीर और अमीर को मैंने कहा उतारें, तो वो उतारते हैं इंशाल्लाह, फिर उसको यहाँ पर सेट करते हैं। ये रूम कूलर है जी, और इसका बेचारे का बहुत ही बुरा हाल हुआ है, फुल गंदा हुआ है, काफ़ी अर्से से यहाँ बंद पड़ा हुआ है। तो अमीर भाई और तकीर भाई और ये इकरार भाई कोशिश करेंगे इसको नीचे उतारने की। चलें उतारें, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ क्या है कि जी बंद पड़ा हुआ है काफ़ी अर्से से। तो मैं आगे कैमरा मैन के सर फ्राई सर अंजाम दे रहा हूँ, और इकरार भाई बीच में सर देंगे। तो ये देखें जी ये कूलर, या अल्लाह खैर, मैं रिवर्स में उतर रहा हूँ, कूलर के चक्कर में मैं ना कहीं जा पाऊँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऊपर तार तार देके तार देके तार देके फिर आराम से। शाबाश शाबाश शाबाश, चलो रूम को लगा के नीचे अब इसको चालू करते हैं। ये जी तकीर भाई ये एक डब्बा करके पानी का भर रहे हैं, इनका कोई हाल ही नहीं है वैसे। और कूलर को हमने बाहर की तरफ मुंह करके चलाया हुआ, इसलिए नहीं चलाया हुआ कि हमें अपना वो मसलहत हो रही है। बेसिकली इसके अंदर जो डस्ट फंसी थी उसको निकालने के लिए हमने पहले इसको खाली करके उस तरफ चला दिया, ताकि जो डस्ट है वो बाहर को निकल जाए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भर रहे हैं और इसकी मोटर चलाएंगे इंशाल्लाह, और गैस मैस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी हाँ हाँ, क्या ले गया अंडा को? ये पाइप कहाँ से ले गया? शुक्र अल्लाह का तुझे अक्ल आ गया, तीन दिन आज पानी भरना है। तो ये पानी जल्दी से पाइप लगाओ जी, पानी भरो। वाह वाह वाह, इधर सीढ़ियों में ठंडा हो गया फुल मॉल। 1 eternity later साहब जो तबीयत ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने वॉमिट 2-3 फिर से की हैं। तो अब यह कि मुझे जी जाना पड़ रहा है काका साहब को लेकर, जो डॉक्टर उनका वो मेरे ससुराल के करीब ही बैठते हैं, उधर ही जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम जहाँ से अल्लाह पाक ने हमें शफा दी थी उन्हीं के पास जा रहे हैं दोबारा। तो अमीर भाई मेरे साथ हैं। अमीर भाई आपकी रोशनी सही पड़ रही है ना? ये देखें चेक कर रहा, ये अमीर भाई, अमीर ये दिखाया जरा। ये अमीर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना तो अपने पर लाइट डालता है। सुभान अल्लाह क्या कारीगरी है अमीर के पर, ऐसे लाइट डालता है अमीर अपने पर जैसे इसको मजमून में वो ऐसे नहीं आता लामा इकबाल पर रोशनी डाले, तो अमीर भाई अपने ऊपर रोशनी डालते हैं। सही बात है, अपने अपने घर से इंशाल्लाह ताला तो जाते हैं और जाकर चेकअप कराते हैं, फिर वापस घर आते हैं इंशाल्लाह। रजा भाई दी ग्रेट, रजा भाई हमारे साथ हैं और
अली भाई उधर हैं, तो दूध लास्ट में हमने पिया था ना वो बस पीने का आता है, तो हम लोग उधर आ गए शॉप के बैठ के उधर भाई दूध पीते हैं इंशाल्लाह। बेगम साहब को भी पिलाते हैं, काका साहब को पिलाते हैं, अमीर भाई साथ हैं उनको भी पिलाते हैं। बर्फ ही बर्फ है गाँव लतवा में, बस अभी पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओ तू टेप ला लो, तुमसे ना हो पाएगा। एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये क्लिनिक है ना, ये हसन मियाँ को पता है कि मेरे पीछे कौन सा क्लिनिक है, तो मैं इधर आया हुआ था। काका साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, रात के इस टाइम बज रहे हैं 12:10, अब चेकअप हुआ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन कोई 3 घंटे हो गए यहाँ पे, हम सड़क पे बैठे हैं, तो बस अब घर नहीं करें इंशाल्लाह ताला, घर जाते हैं। वो भी इसने लारा लपा लगाया था कि अभी हो जाता है, अभी हो जाता है, अभी आपकी बारी आ जाएगी, 3 घंटे गुजार देते हैं। 3 घंटे उसने हमारे यहाँ पे बिठा के डॉक्टर, 3 घंटे नहीं 2 घंटे 10:30 बजे तक हम लोग आए, तो 1.5-2 घंटे बैठे हैं। बेसिकली हमारा टाइम 2 बजे का था, रात 2 बजे का टाइम था, लेकिन वो फिर भी शुक्र अल्लाह का अब जल्दी 12 बजे। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है जी। फिर भी ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पैंपर खत्म हो गए जी, तो एक स्टोर पे आए हैं पैंपर लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी। इस कमरे का टेम्परेचर 33 डिग्री था, उस कमरे का टेम्परेचर इस टाइम 29 डिग्री हुआ है, इसका मतलब 4 डिग्री का वाजे फर्क पड़ा है इस कूलर को लगाने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए हैं, हाजी बिलावल के इन-लॉज आए हैं ऊपर छत पे बैठे हैं, उनके पास चलता हूँ, उनको जाके मिलता हूँ। अभी अली मुकाम खाना चलने लगा है, मेहमान आपको बताया ऊपर आए हुए हैं, तो बस थोड़ा सा खाना चखते हैं अल्लाह का नाम लेके। लें जी उस्तादे मोहतरम, सब ने माशाल्लाह खा लिया सिवाय नकी भाई के, नकी भाई शुरू तो शुरू है जी। ओ जा हाँ जी, कितनी भी मरतबा आया जी हूं नकी भाई का, तीसरा फिर तीसरी बार, एक बारी फिर नकी। खाना आपके भाई ने खा लिया, अब यह काका साहब के रहते पैंपर, तो साथ में कुछ सामान और लेना है, तो बस अब घर से दोबारा निकल पड़े। एक मरतबा फिर मेरे साथ है नकी भाई, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पहुंच गया जी पैंपर लेते हैं बस यहाँ से, और उसके बाद फिर और कुछ चीजें लेनी हो आगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह काका साहब का सामान ले लिया, अब हमने लेना है नाना बू के लिए एक चीज, और वो लेने के लिए हमें 5 शॉप पे जाना पड़ा, समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो ये हाजी भाई एक अदद मोहर, भाई कैसा लगता है आपको दिन भर ये ठप 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 करके? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो जी रूम टेम्परेचर 28.2 डिग्री है, और काका साहब सो रहे हैं, बाकी अभी देख रहे हैं काका साहब के कपड़े आपको काफी नजर आ रहे होंगे, और उसकी वजह ये काका साहब ने काफी ज्यादा उस बेचारे को मोशन लगा, जिसकी वजह से काका साहब बेचारे डिस्टर्ब भी रहे हैं और उनकी तबीयत खराब रही। खैर आज का ब्लॉग ये पेंट करते हैं, गौर मिस करके आप लोग आज का ब्लॉग पसंद आएगा इंशाल्लाह, कल बशर्ते जिंदगी कल लाजमी किसी नए जगह किसी नए मुकाम पर किसी नए काम के सिलसिले में मुलाकात होगी, तब तक आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, तो फतन हदिया ने कितने लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज और शबा खैर। मैं अभी बात करूंगा इस तरह फजर की नमाज पढ़ूंगा, बल्कि मैं बात के लिए बहुत लेट होगा, अभी टाइम तकरीबन हो गया है 2:35 हो गए, जबकि मुझे 1 बजे बैठ जाना चाहिए था बात के लिए, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा।